आप सबका फेवरेट शो ये है चाहते में आने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि प्रीशा ने यहाँ पर रुद्रा को बेगुनाह साबित करवाने की खाली है कसम। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि पुलिस इंक्वायरी करते हुए पहुंचेगी एक बार फिर से होटल, जहां पर रुद्राक्ष के सामने खुराना फैमिली के सामने कहेगी पुलिस कि अभी अभी हमें एक बड़ा सबूत मिला है, कीर्ति जैन का मर्डर किसी आदमी ने नहीं बल्कि किसी औरत ने किया है। हमें कीर्ति की डेड बॉडी में उसके हाथ में एक इयररिंग मिला है, यानी कि कान का झुमका जो किसी औरत का है, जिसे देखकर मिश्का के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि टेरेस पर वो अपना ऐसा ही कुछ सबूत ढूंढने गई थी जो अहाना की वजह से नहीं ढूंढ पाई। अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि रुद्रा का कॉन्सर्ट हो चुका होगा फिनिश, क्योंकि कीर्ति की हो चुकी है मौत और उसी की वजह से वो कॉन्सर्ट में आया था। और जैसे ही ये लोग वापसी के लिए जाएंगे, रुद्राक्ष के साथ प्रिशा जाएगी बस में और दूसरी तरफ अहाना, मिश्का और रुद्रा के मॉम डैड जाएंगे कार में। बस और कार दोनों साथ साथ चल रही होंगी, जहां पर अहाना अपने ससुर यानी कि खुराना से ये कहती आएगी नजर कि डैड आई एम स्टिल इन शॉक, आखिर कौन हो सकता है, आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उससे लास्ट मोमेंट पर मिलने गया हो, आई एम सो वंडरिंग। यहां पर बर्राज कहता है अहाना से, कोई भी हो फॉर श्योर हमारी फैमिली में से तो कोई नहीं हो सकता। जैसे ही इन दोनों की बात सुनती है, मिश्का काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और जो इयररिंग डेड बॉडी के हाथ में मिला था उसका दूसरा पीस अहाना के नज़र बचाते हुए मिश्का अपनी कार में से बाहर फेंक देती है। जैसे ही मिश्का अपनी कार का डोर खोलती है और इयररिंग को थ्रो करती है, यहाँ पर प्रिशा बस के दरवाजे से मिश्का को ये करते हुए देख लेती है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि शायद वो अपना इयररिंग इस कदर फेंक रही है, ये बात कोई ना कोई कीर्ति के मर्डर से तो जुड़ी है। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर प्रिशा कैसे करेगी ये प्रूफ कि कीर्ति का कत्ल करने वाला ना तो रुद्राक्ष है ना ही युवराज, वो है मिश्का। और जैसे ही खुराना फैमिली को मिश्का की इस घिनौनी हरकत के बारे में पता चलेगा, तो क्या वो इस फैमिली से हो जाएगी आउट, हमेशा हमेशा के लिए रुद्राक्ष का पीछा छोड़ देगी, या फिर कुछ और होने वाला है इस शो की कहानी में, ये देखना होगा आज रात के एपिसोड में। बेहद इंटरेस्टिंग। We'll be right back.